वैसे तो दुनिया भर में बाबा भोलेनाथ के अनेकों मंदिर हैं और अनेकों विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग हैं, जिनमें से आपने भी कई शिवलिंगों के दर्शन किए होंगे। और बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत में विराजमान हैं। इसी तरह से आपको एक हम शिवलिंग के दर्शन कराने वाले हैं आज इस वीडियो में, जिसे कि भारत का 13वां शिवलिंग कहा जाता है, 13वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में कैसे आया और वह कहाँ स्थित है, और आपको उस ज्योतिर्लिंग के, उस शिवलिंग के दर्शन भी कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ के। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अब टीकमगढ़ सीरीज। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम टीकमगढ़ में हैं, आप मैं तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं कुटेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक काफी फेमस मंदिर है, यहाँ का क्या पूरे बुंदेलखंड का फेमस मंदिर है कुटेश्वर महादेव मंदिर। चलते हैं वहाँ, आपको दर्शन कराते हैं। ये ब्लॉग में एंजॉय कीजिए और दर्शन कीजिए महादेव के। टीकमगढ़ से जब कुंडेश्वर जा रहे हैं और टीकमगढ़ के नज़ारों को एंजॉय नहीं किया तो और बात ही अलग। ये है देखिए कब्रिस्तान टीकमगढ़ का, इमली बाबा कब्रिस्तान। ओ भाई, मैं इस दिन सोच रहा था कि ये तो कोई मंदिर है, ये है यहाँ के राजाओं के मकबरे। यहीं पर लड़ाई सरकार का भी मकबरा है और भी कई मकबरे हैं यहाँ पर। टीकमगढ़ का पुराना बस स्टैंड, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, घंटाघर पहुंचने वाले हैं। तो सामने आपको किला दिखने लगा होगा, ये है भाई राजा का, टीकमगढ़ के राजा का किला, जिसपे ना अभी भी राजा के वंशज रहते हैं और उन्हीं का इसमें अधिकार है अभी भी। यहाँ पर मतलब जैसे अगर कोई विजिट करने जाता है तो उसे पहले राजा से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी इसका नज़ारे दिखाए थे बाहर से ही, जब मैं गया था हनुमान चालीसा मंदिर में, और अभी भी उसी रास्ते से होते हुए चल रहे हैं। ये भाई हनुमान चालीसा मंदिर, जैसा कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था, इसके व्यू दिखाए थे, इसके नज़ारे दिखाए थे और भगवान के दर्शन भी कराए थे। ये है भाई महेंद्र सागर ताल, जैसा कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना हनुमान चालीसा मंदिर के ऊपर से, ये वही ताल है, यहाँ का बड़ा ताल बोला जाता है। आपको टीकमगढ़ में कई तालाब मिल जाएंगे, ऐसा इसलिए कि ये पहाड़ी एरिया है और जैसा कि आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पानी की कमी रहती थी पहले, इस वजह से जगह जगह तालाब बनाए जाते थे। ये है भाई पार्क, और पार्कों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना टीकमगढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक नजरिए से काफ़ी महत्व रखता है। इस वजह से अभी हम चल तो रहे हैं एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल पे, श्री कुंडेश्वर महादेव। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये प्रतापेश्वर महादेव है। शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की यहाँ से बारात उठती है, और जो पीछे मंदिर आपको दिखाया है वहाँ तक जाती है। चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, ये दर्शन कीजिए बाबा के।
यहाँ पर दर्शन कीजिए बाबा बजरंगी के। जय बाबा महाराज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह है महन सागर ताल। यार देखिए काफ़ी प्यारा दिख रहा है यहाँ से। उस साइड शायद वो कमल के फूल हैं सामने, जहाँ आपको बोट दिख रही होगी। ये देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे कमल के फूल, कितने प्यारे दिख रहे हैं। वहाँ पर बोटिंग भी चल रही है और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कुछ मछलियों को दाना डाल रहे हैं। जो कितने ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे यार। और आप गेट से समझ ही सकते हो कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। श्री कुंडेश्वर द्वार, ये है कुंडेश्वर द्वार जो कि 2008 में बनवाया गया है। यहाँ से लगभग कितना रह जाएगा मंदिर, यहाँ से 5 किलोमीटर के लगभग है मंदिर। चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं महादेव के दर्शन। ये है भाई श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर का गेट। यहाँ से एंट्री नहीं है क्या? ओ अंदर बंदर। ये है भाई पार्किंग, चलते हैं अंदर पार्किंग करते हैं। ये है श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर की पार्किंग। रूपा जी लगाने गए हैं स्कूटी। और ये है सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर विथ सनसेट। क्या प्यारा नज़ारा आ रहा है सनसेट के साथ मंदिर का। ये देखो बैठे हैं। ये है सामने भाई कुंडेश्वर मंदिर, श्री कुंडेश्वराय नमः, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। अब चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। ये है भाई सामने श्री कुंडेश्वर मंदिर, चलते हैं आपको भी दर्शन कराते हैं अगर पंडित जी की परमिशन हुई तो। अभी आप देख सकते होंगे महादेव का चल रहा है श्रृंगार, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। और यहाँ पर अब तक और भी मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये देखो यार बंदर बाबा घूम रहे हैं मंदिर। यार मोबाइल लेके ना भाग जाएं। यहाँ पर है श्री राम मंदिर, राम मंदिर के दर्शन करते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं। तक महादेव का हो रहा है श्रृंगार, उसके बाद महादेव के भी दर्शन कराएंगे आपको। ये देखो आ गए भगवान राम से मिलने, बजरंगी बाबा आ गए राम से मिलने। ईश्वर महादेव को भारत के 13वीं शिवलिंग बोलते हैं, 13वीं ज्योतिर्लिंग। जैसा कि आप 12 को जानते ही होंगे, 12 ज्योतिर्लिंग जानते ही होंगे, इनसे 13वीं ज्योतिर्लिंग बोलते जाता है। और 84 शिवलिंगों में से एक महत्वपूर्ण शिवलिंग भी है।
ये है भाई यहाँ का कुंड। कुछ लोग इसी वजह से यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इतना गहरा है कि अभी तक कोई भी इसमें नीचे से मिट्टी लेके नहीं आ पाया, इतना गहरा है। और इसी से कुंडेश्वर शिवलिंग भी प्रकट हुई है, और बाकी स्टोरी आपको बताते ही रहेंगे। चलते हैं आगे और भी दर्शन करते हैं, महादेव के दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर दर्शन कीजिए बाबा बजरंगी के। जहाँ महादेव हो वहाँ नंदी महाराज ना हो तो वो तो बात ही बिल्कुल गलत ही बात है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए दर्शन कीजिए नंदी महाराज के। और तब तक महादेव का भी श्रृंगार हो चुका है, आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। दर्शन कराए थे कुंडेश्वर महादेव के, यहाँ पर कई मान्यताएं प्रचलित हैं कुंडेश्वर महादेव के बारे में। इस मंदिर के बारे में एक मानता है कि त्रेता युग में, सॉरी द्वापर युग में जब बाणासुर हुआ, यहीं पास में एक गांव है जिसका नाम है बाणपुर, वहां का राजा हुआ करता था बाणासुर, और उसकी पुत्री थी इसका नाम था उषा। वो वहां से एक सुरंग के माध्यम से इस कुंड में आती थी दर्शन करने के लिए महादेव के। एक बार बाणासुर ने उसका पीछा किया और देखा कि वो कुंड में जाती है, जब उसे द्वार नहीं मिला तो वहीं बाहर बैठ गया। जब उषा दर्शन करके बाहर आई तो उसने सारा पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब किस वजह से आती है, तो उसने सारा व्याख्यांश किया क्यों वह आती है, वह महादेव के दर्शन करने आती थी, और वो तो ठहरा एक असुर, तो उसने मना कर दिया कि यहाँ पर अब वो दर्शन करने नहीं आएगी। जब उषा यहाँ दर्शन करने नहीं आई तब महादेव स्वप्न में आए और उसने महादेव से एक वरदान मांगा कि अभी तक तो आप केवल मुझे दर्शन देते थे, अब आप सारे संसार को दर्शन दीजिए। इस वजह से यहाँ पर ये शिवलिंग प्रकट हुई, और एक स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। भारत में जो 84 शिवलिंग है उनमें से एक महत्वपूर्ण शिवलिंग ये भी है, और कहा जाता है कि ये 13वीं ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के बारे में एक दूसरे मान्यता ये भी है कि एक यहाँ पर ये जो पहाड़ी है, ये छोटी सी एक पहाड़ी है जिस पर एक व्यक्ति रहा करते थे और फुल फैमिली के साथ रहते थे। एक दिन उनकी जो बाइक थी वो यहाँ पर ओखली में धान कूट रही थी। ओखली आप लोग समझते होंगे जिसमें मसाला वगैरह कूटा जाता था, उसमें धान कूट रही थी, और जिससे मूसल से कूटा जाता है वो मूसल भगवान की शिवलिंग में जाके लगा, तो वो सारी ओखली खून से भर गई। जब वो राजा को बताने गई तब तक यहाँ जो शिवलिंग थी वो काफी बढ़ चुकी थी, इसी वजह से इसे कुंडेश्वर महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो जब यहाँ से गई थी राजा को बताने तो यहाँ पर एक कुड़ी ढाक के गई थी। कुड़ी जो आप गांव के लोग होंगे वो समझ सकते होंगे, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसी को उस ओखली के ऊपर ढाक के गई थी, इसलिए इसे कुंडेश्वर कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग प्रतिवर्ष एक चावल के दाने के बराबर बढ़ती है। इसी बात का पता लगाने के लिए 1947 में एक ESI की टीम आई थी, उसने यहाँ पर खुदाई भी की लेकिन पता नहीं कर पाई ये शिवलिंग कहाँ से है और क्यों बढ़ती है।
और इस मंदिर के बारे में एक तीसरी मान्यता है कि जब महारानी पार्वती, रानी पार्वती, माता पार्वती भगवान से बोलती हैं कि मुझे अपने पुत्र वीरभद्र से मिलना है, तो महादेव बोलते हैं कि वो तो महाकाल वन में रहता है। तो उन्हीं से मिलने के लिए जब महारानी आई तो उनके साथ में एक गण आया जिसका नाम था कुंड। जब रानी विश्राम करने के लिए रुकी तो महादेव यहाँ की प्राकृतिक नज़ारों के, प्राकृतिक सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि रानी भी उनके साथ आई है, माता भी उनके साथ आई है। जब माता ने उस गढ़ कुंड से कहा कि महादेव को ढूंढ के लाए, उसे तो महादेव का आदेश था कि वो पार्वती माता को छोड़ के नहीं जा सकता है, इसलिए उसने अवज्ञा कर दी माता की। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से, महादेव को उस भक्त के बारे में पता चला तो उनके आशीर्वाद से यहाँ पर एक महादेव के रूप में ही कुंडेश्वर विराजमान हो गए। और ये गढ़ कुंड महादेव के रूप में यहाँ पे विराजमान है, इसलिए इसे कुंडेश्वर महादेव बोला जाता है। अब चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं महादेव के। ये है भाई हवन कुंडी। यहाँ पर यार बंदर बहुत हैं तो डर लग रहा है यार, ये देखो कितने बंदर हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं यार, मोबाइल ना ले जाएं इस वजह से डर लग रहा है। यहाँ पर आपको एक समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर ये मंदिर शायद भैरव बाबा का है। और यहाँ पर गणपति बाबा के दर्शन कीजिए। नहीं नहीं, ये भैरव बाबा का नहीं, ये माता पार्वती का मंदिर है शायद। और यहाँ पर है समाधि स्थल, ये देखो सामने लिखा हुआ है, समाधि को प्रणाम करते हैं। ये है भाई संकीर्तन भवन, यहाँ पर कई सालों से ऐसे ही अखंड कीर्तन चल रहा है।